महाराष्ट्र के बदलापुर कांड में आरोपी अक्षय का सोमवार को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। 23 साल के अक्षय पर एक स्कूल में दो बच्चियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। पुलिस के मुताबिक तलोजा जेल से बदलापुर ले जाते समय अक्षय ने पुलिस की रिवॉल्वर छीन ली और आरोपी ने पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की थी, जिसमें पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और अक्षय की मौत सीनियर इंस्पेक्टर संजय शिंदे की गोली से हुई। संजय शिंदे की गिनती तेज तरार अफसरों में होती है जो अपराधियों की बाल की खाल निकालते हैं। इंस्पेक्टर संजय शिंदे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। प्रदीप शर्मा की टीम ने ही 2017 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को पकड़ा था। इस एनकाउंटर में शामिल और आरोपी अक्षय को गोली मारने वाले पुलिस इंस्पेक्टर का बयान भी सामने आया है। इंस्पेक्टर ने अपने बयान में बताया कि मैं ड्राइवर के बगल में बैठा था और आरोपी अक्षय और कांस्टेबल पीछे बैठे थे। मुझे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश मोरे का फोन आया, जिसने बताया कि आरोपी अक्षय शिंदे उन्हें गाली दे रहा है और पूछ रहा है कि उसे क्यों और कहां ले जाया जा रहा है। उस समय हम शिलफाटा रोड पर थे और मैं तलोजा जेल से निकला था। मैंने गाड़ी रोकी और उतरकर आरोपी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठ गया ताकि उन्हें शांत कर सकूं। शाम करीब 6:15 पर जब हम मुंब्रा बाईपास पर पहुंचे, तो आरोपी अक्षय ने पुलिस अधिकारी नीलेश मोरे से पिस्टल छीन ली। मोरे ने उसे रोकने की कोशिश की, उसी समय पिस्टल लोड हो गई और एक राउंड फायर हो गया, जिसमें मोरे घायल हो गया और उसकी जांघ में गोली लग गई और वह वैन में ही गिर गया। इसके बाद आरोपी ने मुझे और गाड़ी में मौजूद अन्य अधिकारियों को धमकाया और कहा कि वह हमें भी मार देगा, और उसने दो गोलियां चलाई। आत्मरक्षा में मैंने और मेरे साथी ने गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया और वैन में ही गिर गया। इसके बाद हमने उसे काबू कर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे के अनुसार वैन में कुल 4 राउंड फायर हुए हैं। आरोपी अक्षय ने एक गोली चलाई जो पुलिस अधिकारी नीलेश मोरे को लगी, फिर 2 राउंड और फायर किए जो दूसरे पुलिस वालों को नहीं लगे। इसके बाद आत्मरक्षा में एक गोली उन्होंने अक्षय पर चलाई। कुल 4 राउंड फायर किए गए और सभी खोखे को पुलिस ने वैन से बरामद कर लिए हैं। घटना के बाद आरोपी अक्षय को कालवा स्थित एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर अक्षय शिंदे की एनकाउंटर की खबर बदलापुर पहुंची तो वहां की महिलाओं ने खुशी मनाई और बदलापुर स्टेशन के बाहर पटाखे फोड़े। महिलाओं ने कहा कि आरोपी को उचित सजा दिलाने के लिए महिलाओं ने काफी संघर्ष किया, इस संघर्ष का परिणाम सार्थक रहा है। इसके लिए महिलाओं ने पुलिस का आभार भी प्रकट किया है। आइए जानते हैं कि क्या है बदलापुर कांड। महाराष्ट्र के बदलापुर में महज 4 साल की 2 मासूम बच्चियों ने स्कूल के अंदर वो सब सहा जिसका उन्हें शायद मतलब तक नहीं पता होगा। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक बच्ची ने अपने दादाजी से निजी अंगों में दर्द की शिकायत की। इस पर बच्ची के माता पिता ने उसकी सहेली के घर फोन मिलाया तो पता चला कि वो भी स्कूल जाने के नाम से डरी हुई है, जिसके बाद माता पिता को कुछ शक हुआ। दोनों बच्चियों के पेरेंट्स ने उन्हें लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चियों का चेकअप किया तो हैरान कर देने वाली हकीकत सामने आई, जिसमें पता चला कि दोनों बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है। इस घटना के सामने आने के बाद स्कूली बच्चों के पेरेंट्स और स्थानीय लोगों ने विरोध किया और स्कूल में भी जमकर तोड़फोड़ की। यहां तक कि रेल रोको के दौरान स्थानीय रेलवे स्टेशन पर पथराव भी किया गया। आपको बता दें कि इस मामले में SIT भी जांच कर रही है।